अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फ्रॉम तुर्की। आप लोग हमसे बहुत अच्छे लिंक शेयर कर रहे हैं और हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं इस मामले में और थैंक यू सो मच अगेन। हमें तुर्की से एक और लिंक शेयर हुआ है जिसमें एक इसका नाम मिल्लत उसको कुछ करके तुर्की में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो हमें इसको हमने ट्रांसलेट किया जो भी किया था उसमें एक चीज़ फील हो रही थी कि ये एक मिली नगमा टाइप किया, एक ऐसी बात की गई है। इस वीडियो में ये चीज साबित की गई है कि हम लोग कितने यूनाइटेड हैं और आपस में किस तरह मिलके रहते हैं। बिल्कुल। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं ताकि इस पर मजीद बात कर सकें। चले तुर्की का सेकंड हाईएस्ट झंडा है। अच्छा। हाँ, दुनिया का। Yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Neyi o dikhaya is tarah hua hai ki wo sabko pata chal gaya ki kuch saazish hui hai. Ha, iska matlab ye hai. Koi koi Turki mein nahi shudur ancak emeli. Kuch hua aisa ki Turki ki usko ek mein saalmiyat ko nuksan pahuncha. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bastığın yerleri sariye var. Acha ye meri kamera se video bana hua hai jab in pe attack hua tha na to sari awam ne milke usko roka tha. Bilkul. Sen şehit olsun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Brave people. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedalı fışkıracak, toprağı sıksa... Pani fışkıran gönlümden. Canı, canı... Ki cehan sana... Jo teher ki jane, kusur kupar se jare. Yani jis tarah bhi hai, pohuncho vaha pe. Foran. Logon ne nahi dekha ki kis tarah jane. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, zenginlere selam kaçarım. Yani vaham ne gayet kiya tha na, tanko kaya khade ho gaye the. Vaham se kaya khade ho gaye the. Bekz bile bin secdeler varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Sen bir zindagi ki parvani ki. Jhanda upar leke ja raha hai. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni Hilal. Acha ye dikhaya hai ki. Hakkıdır. Sare ulke se upar leke ja raha hai. Vah, abhi bhi log aa rahe hain. Hakka tapan milletimin istiklal. Vah. Very nice, brave people, brave Turkey, united. Oh my God, बहुत ही इतना आपस में इत्तफाक और आप लोग आपस में इस तरह से हैं, आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती। जहाँ की आवाम आपस में ऐसे हो ना, ऐसे हो बिल्कुल, उसे दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती। आपकी अपनी फौज चाहे क्यों ना खड़ी हो जाए। तो ये जो मैंने आपके सारा मैंने देखा हुआ है तुर्की में, जो आपके साथ हुआ था, जो मसले मसाइल चल रहे थे फौज के साथ, जब सारे आवाम टैंकों के आगे खड़े हो गए थे, आके ऊपर से बम्स गिरे थे और वो जेट्स ने आके मिसाइल्स मारे थे, वो सब हम लोग देखते रहे। लोग शहीद हुए, बहुत लोग उसमें शहीद हुए। सब जैसे बच्चे लड़के ने एंड पे ठंडा पकड़े छलांग लगाई है तो उसने अपने आप ही जिंदगी का नजराना दे दिया ना, झंडे को लेकर वो ऊपर लेके चला गया। अच्छा, इनके मैंने हिस्ट्री में देखा है कि ये लोग अपने झंडे को अपने जो है ना जो हर जगह पे हर जगह पे इज्जत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घरों में झंडा है इनके, इनके पार्क में झंडा है, इनके मजारों में झंडा लगा हुआ है, इनकी हर जगह पे इनका पन का झंडा जो है वो लाजमी होता है। इनकी शादियों में,
इनकी तमाम तकरीबात में, इनके एक होटल्स में, इनके जितने भी जगह टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इवन के जो एक जो बलून्स हैं वहां पर भी हम देखो झंडे लगे हुए हैं। इनका जो अपना झंडा है उसकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं ये लोग जिसकी इंतहा नहीं है। कोई कहते ना उसी की वजह से हम लोग डिफरेंट हैं, क्योंकि ये देखिए ये मुल्क से प्यार होता है ना आपका, आपका जितना अपने मुल्क से प्यार होगा ना, हम लोग बेसिकली पाकिस्तान में, मैं जो अवाम में नोटिस करता हूँ ये चीज होती है कि हम लोग अपने हुक्मरानों के हाथों परेशान हुए होते हैं। देखिए हुक्मरान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो बुरे लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बुरे अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन इसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं है। हाँ। इसमें हमारी अवाम के कुछ गंदे कीड़े ऐसे हैं जो हरकतें कर रहे हैं, इसमें हमारी पूरी कौम खराब नहीं है। हाँ। इसलिए अपने दिलों में ये चीज निकाल दें, पाकिस्तान से जो हमारा प्यार हमेशा से आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, उसको हमेशा जिंदा रखें जिस तरह तुर्की के लोग रखते हैं। बिल्कुल। इसलिए इतने यूनाइटेड है। और मुझे यकीन है कि जब भी पाकिस्तान पे कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आएगी तो हम भी तुर्की अवाम से ज्यादा उस पर रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक प्यार और एक मोहब्बत और एक आपस में भाईचारा हमेशा काम जो है मैं रखें। बिल्कुल। और ये सब चीजें आपकी चलती रहनी चाहिए। हाँ। क्यों फिकर? बिल्कुल। और मुझे तो बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था देख के, यूनिटी और सारा कुछ। और वो जो आपने बात की कि इन पे हमला हुआ था और इनके अपने लोग ही अंदर से निकले थे, तो गद्दारी हुई थी या कुछ भी मसला हुआ था वो, तो उसमें किस तरह लोग यूनिटी की थी उसमें भी ऐसी था, इनकी अपनी फौज ने अटैक किया था इनके ऊपर। हाँ। सबसे अजीब बात है इतनी वो अचानक से कुछ हुआ था, गद्दारी हुई थी अंदर से, इनकी अपनी आधी फौज ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया, आधी फौज ने इनको बचाना शुरू कर दिया। हाँ। उसके बाद इनकी सारी की सारी आवाम उनके सामने आ गई थी, हम लोग देखे शॉट्स। हाँ। इसके वो टैंक के आगे वो बार बार आ रहे हैं, लेट रहे हैं। हाँ। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और हमने ये 1965 की जंग में पहले से किया हुआ है। हाँ। ये पाकिस्तानी अवाम ने बहुत पहले कर चुके हैं, हम लोग ये हमारे जो अवाम अपने सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेट के ब्लास्ट करती होती थी। ये शायद आपको याद हो के ना हो, और नहीं तो मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सबने हमें बताई हैं कि 1965 की जंग में ये सब कुछ कर बैठी है पाकिस्तानी कौम जो आज तुर्की की अवाम कर रही है। तो मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी आपस में इत्तेहाद है ये तुर्की की तरह मजबूत रहना चाहिए हमेशा, ताकि हम लोग हमेशा सुरखरू रहें, पाकिस्तान हमेशा हमारा जो है हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद नहीं बल्कि चलता और कायम और दायम रहे और हिस्ट्री में रहे कि हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी, जिस तरह तुर्कियों की हिस्ट्री बहुत अच्छी चलती आ रही ना, उस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत अच्छी चलती है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड लिंक, और हमसे इस तरह जो लिंक्स हैं आप शेयर करते रहें। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके लाजमी इस वीडियो को दोबारा देखें, बहुत खूबसूरत वीडियो था। मैं भी दोबारा देखूंगा जाके, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इनके साथ साथ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाना है आपने, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए करे। इसी अच्छी और खूबसूरत वीडियो के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।